हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू यूट्यूब चैनल अशोक एकेडमी। ये अपना 10वां लेक्चर है। इसके पहले के 9 लेक्चर अगर आपने नहीं देखे तो वो देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का अपना क्वेश्चन है, कैन ट्रांसफार्मर वर्क ऑन डीसी सप्लाई? ट्रांसफार्मर डीसी सप्लाई पे वर्क कर सकता है क्या? तो अपन ने क्या देखा था, ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल देखा था। ट्रांसफार्मर वर्क ऑन क्या देखा था, ट्रांसफार्मर वर्क ऑन फैराडेज लॉ ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। मतलब इसमें क्या था, ईएमएफ इंड्यूस होने के लिए क्या था, माइनस एन डी फाई बाय डी टी। मतलब अपने को सेकेंडरी में म्यूचुअली इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए था, चेंजिंग फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसके लिए अपन ने सप्लाई क्या दिया था, एसी सप्लाई दिया था। ये देखो, ये था अपनी ट्रांसफार्मर की कोर, इसके ऊपर ये बना ली वाइंडिंग, ये लोड ZL I2। यहां पे अपन ने सप्लाई लगाया था AC, उसके कारण अपने को V इज इक्वल टू क्या था, Vm साइन ओमेगा टी, उसके कारण अपने को अपना करंट फ्लो हो रहा था I, उसके कारण जो ये करंट फ्लो होगा उसके कारण अपना क्या हुआ था, फ्लक्स सेटअप हुआ था। जो फ्लक्स सेटअप हुआ था उसकी इक्वेशन क्या थी, फाइ एम साइन ओमेगा टी। मतलब ये फ्लक्स कैसा था, चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये फ्लक्स क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन अभी अपन क्या कर रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, डीसी सप्लाई दे रहे हैं। अगर अपन ने यहाँ पे ये सप्लाई निकाल के अगर डीसी सप्लाई दे दिया तो ये विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डीसी सप्लाई वेरी करता है क्या, नहीं, ठीक है। वी इज इक्वल टू डायरेक्ट वी एम, समझ लो 10 वोल्ट, उसके कारण जो करंट प्रोड्यूस होगा वो कैसा होगा, फिक्स मैग्नीट्यूड करंट होगा। उसके कारण जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो गए वो कॉन्स्टेंट फ्लक्स प्रोड्यूस हो, कॉन्स्टेंट फ्लक्स जो कि नॉट वेरी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। देयरफॉर यहां पे क्या हो जाएगा, फैराडे लॉ फेल हो जाएगा, बराबर है, क्योंकि म्यूचुअली ईएमएफ इंड्यूस होने के लिए अपने को फ्लक्स कैसे चाहिए, चेंजिंग फ्लक्स चाहिए, लेकिन अपना क्या है, कॉन्स्टेंट मैग्नीट्यूड फ्लक्स है, उसकी वजह से डी फाई बाई डी टी क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू जीरो। तो यहां पे पुट करो, ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एन डी फाई बाई डी टी क्या है, जीरो। देयरफॉर ई इज इक्वल टू जीरो। देयरफॉर अपना ट्रांसफार्मर डीसी पे वर्क करेगा क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि ट्रांसफार्मर को वर्क करने के लिए जो फ्लक्स चाहिए वो कैसा चाहिए, चेंजिंग फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, दैट्स इट। फिर इसके बाद का क्वेश्चन अपन देखेंगे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई ट्रांसफार्मर रेटिंग इज गिवन इन केवीए। तो देखो, बेसिकली इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एनी मशीन डिजाइन और रेटिंग डिपेंड ऑन टेम्परेचर राइज, रेटिंग ऑफ एनी मशीन डिपेंड ऑन टेम्परेचर राइज इन ट्रांसफॉर्मर। तो देखो, और जो ये टेम्परेचर राइज करेगा, इट डिपेंड ऑन, इट डिपेंड्स
ऑन लॉसेस, लॉसेस इन, इट डिपेंड ऑन लॉसेस. टेम्परेचर राइज क्यों होगा, मशीन में लॉसेस हो गए, और लॉसेस में एनर्जी जो अपनी लॉस होती है वो इन द फॉर्म ऑफ क्या होती है, हीट. जो अपनी एनर्जी लॉस होती है, जो पावर लॉस होता है, वो क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ हीट लॉस होता है. ठीक है, इसके कारण क्या होगा, अगर हीट बढ़ती गई तो अपना इंसुलेटिंग मटेरियल क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा. इसके लिए अपन क्या करते हैं कि इसमें लॉसेस कितने हैं, ठीक है, उसकी अपन क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, उस पे से डिपेंड करते हैं कि अपना टेम्परेचर राइज कितना रहेगा. ठीक है, तो देखो यहाँ पे कॉपर लॉसेस डिपेंड कर किस पे करता है, डिपेंड ऑन करंट. फॉर्मूला बताया था आई स्क्वायर आर, और जो कोर लॉसेस वो किस पे डिपेंड करते हैं, डिपेंड ऑन वोल्टेज. तो यहां पे कुछ लोड का कंसर्न है क्या, नहीं. इसके वजह से देयरफॉर द रेटिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज गिवन इन KVA. ठीक है, इसके कारण अपन क्या करते हैं, जो ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग है वो किस में देते हैं, KVA में देते हैं, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर में लॉसेस हो रहे हैं वो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइप ऑफ लोड है, उसके कारण पावर फैक्टर का कंसर्न नहीं आता है. इसके लिए अपन क्या करते हैं, रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर किस में देते हैं, KVA में देते हैं. और सेकंड रीजन है व्हाई डिजाइनिंग ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरर हैज नो आइडिया ऑन विच पावर इन विच टाइप ऑफ लोड ट्रांसफार्मर going to operate therefore manufacturer give rating on give rating in the KVA rating. उसके कारण क्या लगता है, क्योंकि जब मैन्युफैक्चरर ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चर कर रहा है तो उसको क्या पता नहीं रहता कि ऑन विच टाइप ऑफ लोड, वेदर इट इज RL, वेदर इट इज RC, whether it is purely resistive, not possible, but theoretically we considered. Okay, तो इसकी कुछ आइडिया नहीं रहती, इसकी वजह से क्या करते हैं, वो जो रेटिंग देते हैं मैन्युफैक्चरर वो किसमें देते हैं, KVA. ठीक है, दैट्स इट. और इसकी जो PDF फाइल है, जो कुछ इसके नोट्स है, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू.